हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इंसाइट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वापस डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग पर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। हमने पिछली क्लास में भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस किया था, लेकिन आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो पिछले वाले से थोड़ा हार्ड होगा। देखिए, मैंने इलस्ट्रेशन सॉल्व करना है। इलस्ट्रेशन नंबर है 6, वो भी एनसीईआरटी का, क्लास 11th की एनसीईआरटी का इलस्ट्रेशन नंबर 6। इलस्ट्रेशन में कह रहा है 1 जनवरी 2014 को खोसला ट्रांसपोर्ट कंपनी ने 5 ट्रक परचेज किए हैं। एक ट्रक की कीमत है 20,000 रुपए, मतलब 5 ट्रक हो गए 1,00,000 रुपए की। डेप्रिसिएशन फर्म प्रोवाइड करा रही है, वो भी 10% पर एनम के हिसाब से। डेप्रिसिएशन की रेट है 10% पर एनम। मेथड है स्ट्रेट लाइन, और जो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया जाता है वो रिकॉर्ड करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के थ्रू। 1 जनवरी 2015 को फर्म ने जो एक ट्रक है वो बेच दिया है, कितने अमाउंट में बेचा है, 15,000 में। 1 जुलाई 2016 को एक ट्रक और बेच दिया है, वो बेचा 18,000 में। और एक नया ट्रक परचेज किया है 1 अक्टूबर 2016 को, कितने अमाउंट का, वो इस बार खरीदा है 30,000 का। हमें ट्रक अकाउंट बनाना है, ट्रक डिस्पोजल अकाउंट बनाना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, और यह मानते हुए कि खाते बंद होते हैं हर साल 31 दिसंबर को, अकाउंटिंग करनी है 2014 की, 2015 की, 2016 की। तो पहले मैं अपना जो समरी है वो बना लेता हूं, आप लोग भी समरी बनाएं। सबसे पहले पहला ट्रक खरीदा है 1 जनवरी 2014 को, ट्रक इन्होंने खरीदे हैं 5, एक ट्रक की रेट है 20,000, टोटल 5 ट्रक खरीदे हैं 1,00,000 रुपए की। फर्म फॉलो कर रही है कैलेंडर ईयर, इसका मतलब साल बंद होगा 31 दिसंबर 2014 को। 31 दिसंबर 2014 से पहले कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, इसका मतलब लगाएंगे डेप्रिसिएशन, और सारे ट्रक सेम डे को परचेज किए तो 1,00,000 रुपए पे डेप्रिसिएशन 10% सालाना रेट है। खरीदे 1 जनवरी को है, पूरे 12 महीने इस्तेमाल किए, इसका मतलब डेप्रिसिएशन लगेगा पूरे साल का, अमाउंट आ गया 10,000। फिर इसके बाद जो पहला ट्रक बिका है वो जस्ट इसके अगले दिन 1 जनवरी 2015 को बिका है, तो एक ट्रक की कीमत 20,000 रुपए थी। डेप्रिसिएशन मैंने 5 ट्रक पे लगाया 10,000 का, तो एक ट्रक का डेप्रिसिएशन 2,000, तो इसका मतलब ट्रक की जो बुक वैल्यू डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद रह गई है वो 18,000 है। ट्रक बिका 15,000 में, इसका मतलब लॉस हुआ है 3,000। इसके बाद और आगे चलें, जो मैंने अगला ट्रक बेचा है वो बेचा 1 जुलाई 2016 को, तो इसका मतलब ये साल जो बंद करना है 31 दिसंबर 2015 को साल बंद होगा। मेरे पास स्टार्टिंग में 5 ट्रक थे, एक बेच चुका हूं, तो इसका मतलब ट्रक बचे हुए हैं 4, तो 4 ट्रक का डेप्रिसिएशन, मेथड है स्ट्रेट लाइन, 20,000 × 4 80,000, अमाउंट सेम रहेगा 12 महीने का 8,000। फिर इसके बाद 1 जुलाई 2016 को हमने एक ट्रक और बेच दिया है। यदि हम साल के पहले दिन के अलावा किसी और दिन एसेट बेचते हैं तो सबसे पहला स्टेप मेरा डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन लगेगा 6 महीने का। डेप्रिसिएशन जो ट्रक बेचा है केवल उसका डेप्रिसिएशन की बात कर रहा हूं मैं, 2,000 रुपए एक साल का डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन आ गया 1,000 रुपए। ट्रक मैंने ओरिजिनली 30,000 में खरीदा था, पहले साल डेप्रिसिएशन लगा 2,000, दूसरे साल वापस डेप्रिसिएशन लगा 2,000, अब तीसरे साल में 6 महीने के बाद ट्रक बेच दिया, डेप्रिसिएशन लगा 1,000। तो अब मेरी जो WDV है या फिर बुक वैल्यू है वो कितनी रह गई है, अब रह गई है 15,000। इस बार में जो ट्रक है वो बेच रहा हूं 18,000 रुपए में, जो सेलिंग प्राइस है वो है इस बार 18,000 रुपए, तो इसका मतलब प्रॉफिट 3,000। 1 जुलाई 2016 को ट्रांजेक्शन मैंने कर लिया रिकॉर्ड। इसके बाद सेम उस साल में ही मैंने 1 अक्टूबर 2016 को एक नया ट्रक परचेज किया है, इसी ईयर में 1 अक्टूबर 2016 को मैंने नया ट्रक खरीदा है, वो भी 30,000 रुपए का।
ये मैंने ट्रक खरीदा है नया, ट्रक परचेस। अब साल के आखिर दिन मतलब फॉलो कर रहे हैं कैलेंडर ईयर, तो साल बंद होगा 31 दिसंबर 2016 को। कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? मेरे पास ट्रक स्टार्टिंग में 5 थे, 5 में से मैं 2 ट्रक बेच चुका हूं, तो 3 ट्रक बचे हैं। 1 ट्रक का 1 साल का डेप्रिसिएशन 2000, तो 3 ट्रक का 6000, और प्लस नए वाले ट्रक का 3000 रुपये में निकालना पड़ेगा 10%, 3000 रुपये। लेकिन ट्रक 1 अक्टूबर को खरीदा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का डेप्रिसिएशन केवल चार्ज करना पड़ेगा। वापस रिपीट कर रहा हूं, जरूरी है ये ध्यान में रखना कि अकाउंटिंग ईयर फॉलो करते हैं या फिर कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का डेप्रिसिएशन। यदि 3000 रुपये 12 महीने का है, तो 3 महीने का 750। ये मैंने अपनी समरी तैयार कर ली है। अब मुझे सबसे पहले बनाना है ट्रक अकाउंट। सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, प्रिपेयर करें ट्रक अकाउंट, पहली डिमांड। और ट्रक का डेप्रिसिएशन जो हमें रिकॉर्ड करना है, वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड करना है। तो इसका मतलब अगला मेरा अकाउंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और जिस दिन ट्रक बेचेंगे उस दिन सेल्स वाली जो एंट्री मैं पास करूंगा, या फिर उस सेल्स के ट्रांजैक्शन को मैं सेपरेटली शो करूंगा ट्रक डिस्पोजल अकाउंट के थ्रू। वो मैं शो करने वाला हूं ट्रक डिस्पोजल अकाउंट के थ्रू। सबसे पहले ट्रक खरीदने की एंट्री, ट्रक परचेज करेंगे 1 जनवरी 2014 को। तो 2014 में 1 जनवरी को टू बैंक मैंने ट्रक खरीदे हैं 5, 1 लाख रुपए के। इस साल मुझे साल के आखिर में केवल लगाना है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मेथड फॉलो कर रहे हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में साल के आखिर में बाई डेप्रिसिएशन कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 10,000। इस साल और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, मुझे दोनों अकाउंट बंद करने पड़ेंगे। बंद करने का तरीका, यदि हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड फॉलो करते हैं, तो यहां पर आने वाला है क्लोजिंग बैलेंस, और वो सेम कॉस्ट के इक्वल ही रहेगा। कब तक? जब तक कोई एसेट बेचते नहीं है। तो साल के आखिरी दिन 2014 31 दिसंबर बाई बैलेंस कैरेट डाउन, कितना बैलेंस रहने वाला है? वापस 1 लाख। ये मेरे पहले साल का पहले साल का जो ट्रक अकाउंट है वो बंद हो चुका है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस अकाउंट में हर बार डेप्रिसिएशन आता जाएगा। कब डेप्रिसिएशन इस अकाउंट से निकाल के ट्रक डिस्पोजल अकाउंट या फिर एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करूं? जब ट्रक बेचेंगे। तो इस साल कोई ट्रक नहीं बिका, तो अकाउंट भी बंद कर देंगे साल के आखिरी दिन। टू बैलेंस कैट डाउन, बैलेंस 10,000। वापस अकाउंट ओपन करें 2015 1 जनवरी को, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अकाउंट ओपन करेंगे दोनों 2015 1 जनवरी बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसके बाद मैंने जस्ट अगले दिन 1 जनवरी 2015 को एक ट्रक बेच दिया है। बेचने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट सेलिंग प्राइस के साथ 15,000, लॉस ऑन सेल ऑफ ट्रक अकाउंट डेबिट 3,000, और टू ट्रक अकाउंट। ये मेरी सेल्स की एंट्री है, लेकिन ये एंट्री पास तब होती है जब नंबर 1, बिल्कुल सही, यदि मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करता हूं सीधे एसेट अकाउंट में। नंबर 2, जब मुझे सेल्स का ट्रांजैक्शन सीधे उस पर्टिकुलर एसेट अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड करना है। लेकिन क्या मैं दोनों बातें यहां फॉलो कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं। मैं पहली बात डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहा हूं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के थ्रू, सेल का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करूंगा ट्रक डिस्पोजल अकाउंट के थ्रू। तो जब भी ट्रक डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे, सबसे पहले ये पहचानना जरूरी है कि हम डेप्रिसिएशन किस अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड कर रहे हैं।
यदि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो जितने कॉस्ट वाला ट्रक बेचा है वो हम यहां से वैल्यू एलिमिनेट करके पहुंचाएंगे ट्रक डिस्पोजल अकाउंट में। एंट्री क्या होगी? ट्रक डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू ट्रक अकाउंट, जिस दिन बेचेंगे उस दिन। तो बाई ट्रक डिस्पोजल कितने कॉस्टिंग वाला? मैंने एक ट्रक बेचा है, पांचों ट्रक की कॉस्टिंग 20,000 इंडिविजुअली, तो एक ट्रक की कॉस्टिंग होगी, पांचों ट्रक की कॉस्टिंग इंडिविजुअली 20,000 है, एग्रीगेट 1,00,000 है, एक ट्रक की कॉस्टिंग होगी वापस 20,000। तो ट्रक डिस्पोजल अकाउंट में 2015 एक जनवरी टू ट्रक अकाउंट अमाउंट 20,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से जो हमने ट्रक बेचा है जितने कॉस्ट वाला, उसका डेप्रिसिएशन डेट ऑफ सेल तक कितना आ रहा है वो ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करने की एंट्री एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रक डिस्पोजल। तो 2015 एक जनवरी टू ट्रक डिस्पोजल, डेप्रिसिएशन 2,000। तो ट्रक डिस्पोजल अकाउंट में 2015 एक जनवरी बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2,000। अब मेरे ट्रक की वैल्यू ऑटोमेटिक 18,000 आ रही है, 18 वाला ट्रक बेचा 15,000 में, 2,000 का लॉस सेम डे को। तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रक डिस्पोजल। तो बाई बैंक कितना अमाउंट? सेलिंग प्राइस बाई लॉस ऑन सेल कितना? 3,000। इसके बाद करेंट ईयर 2015 में और कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की एंट्री वापस डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने तारीख को पास करनी पड़ेगी? बिल्कुल सही, 31 दिसंबर को बाई डेप्रिसिएशन अमाउंट 8,000। इसके बाद अकाउंट तीनों बंद करने पड़ेंगे। मेरे ट्रक टोटल थे 1,00,000 के, इसमें से मैंने एक ट्रक 20,000 वाली कॉस्टिंग का बेच दिया है, तो ट्रक कितने बचेंगे? 4, अमाउंट 80,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 10,000, करंट ईयर का 8,000, टोटल 18। एक ट्रक बेच चुके हैं जिस पर हमने डेप्रिसिएशन लगाया था 2,000, तो बैलेंसिंग फिगर साल के आखिर में टू बैलेंस कैरी डाउन 16,000। अब बात करें थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में 1 जुलाई को डायरेक्ट ट्रांजेक्शन है, तो वापस मैं पहले अकाउंट ओपन कर लूं, लेकिन अकाउंट ओपन करने से पहले ट्रक डिस्पोजल अकाउंट की थोड़ी सी चर्चा और करूं। क्या ट्रक डिस्पोजल अकाउंट का कोई बैलेंसिंग फिगर निकलने वाला है? नहीं, क्योंकि ट्रक डिस्पोजल अकाउंट जिस दिन बनेगा वो सेल का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा और सेम डे ही ट्रक डिस्पोजल अकाउंट बंद हो जाएगा। देखेंगे तो डेबिट में 20,000 है और क्रेडिट में 20,000 है। मैंने ट्रक अकाउंट वापस ओपन कर लूं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 4 ट्रक बचे हुए मेरे पास 80,000 के। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,000। अब जिस दिन ट्रक बेच रहे हैं तब तक का पहले मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन कितना आएगा? मैंने 1 जुलाई को बेचा है तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन 1,000। जर्नल एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,000। अगला स्टेप ट्रक अकाउंट से और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से जितने कॉस्ट वाला और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पोस्ट करेंगे ट्रक डिस्पोजल अकाउंट में। डेट का विशेष याद रखें, तो बाई ट्रक डिस्पोजल मैंने एक ट्रक और बेचा है 20,000 वाली कॉस्टिंग का, इस 20,000 पर आज तक डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है? डेप्रिसिएशन टू ट्रक डिस्पोजल, डेप्रिसिएशन लगा पहले साल का 2,000, दूसरे साल का 2,000, तीसरे साल का 1,000, टोटल 5,000। तो टू ट्रक डिस्पोजल 5,000। ट्रक डिस्पोजल में जिस दिन ट्रक बेचेंगे सेम डे को ओपन होगा, टू ट्रक अकाउंट 20,000 वाली कॉस्टिंग का बाई
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, टोटल 5,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लग चुका है, अब बेच रहे हैं 18,000 में, तो बाई बैंक बेचने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 18,000 टू ट्रक डिस्पोजल और टू स्टेट टू गेन ऑन सेल ऑफ ट्रक सेम डे को 3,000। ये अकाउंट वापस क्लोज। इसी साल मैंने 1 अक्टूबर को एक ट्रक और खरीद लिया है, तो टू बैंक इस बार खरीदा है 30,000 का। अब मैं साल के आखिर में वापस लाऊंगा डेप्रिसिएशन, साल के आखिर में जो भी मेरे रिमेनिंग ट्रक्स रह गए हैं उन पे लगाना है डेप्रिसिएशन। मेरे पास 5 में से मैं 2 ट्रक बेच चुका हूं, तो 3 ट्रक का डेप्रिसिएशन 6,000 रुपए, और जो मैंने नया ट्रक परचेज किया है उसका डेप्रिसिएशन 750 रुपए, ये आ गया 6,750। अब वापस अकाउंट बंद कर दें। ट्रक मेरे पास केवल 3 बचे हैं 20,000 वाले, एक नया खरीदा है 30 वाला, तो 20, 30, 60 और 30, 90, तो जो क्लोजिंग बैलेंस मेरा आ रहा होगा वो होगा 90,000। डेप्रिसिएशन की बात करूं, ओपनिंग बैलेंस मेरे पास था 16,000, 1,000 रुपए का डेप्रिसिएशन और लगाया किस ट्रक पर जो मैंने बेचा, 17 में से 5 कर दिया मैंने एलिमिनेट, तो 12,000 और प्लस 6,850, तो डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस वो आना चाहिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में 18,750। और मेरा ट्रक डिस्पोजल अकाउंट ऑलरेडी बंद हो चुका। ये मेरा लास्ट क्लास से थोड़ा हार्ड क्वेश्चन, लेकिन अभी और भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें हम और डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एसेट डिस्पोजल अकाउंट, इनके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। 12th में कैश फ्लो स्टेटमेंट में बहुत स्टूडेंट को दिक्कत आती है जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन मैं कहता हूँ दिक्कत ही कोई बात नहीं है। 2-3 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे इसी के बेसिस पर। तब तक एजुकेशन इंसाइट्स यूट्यूब चैनल को अपना सपोर्ट देते रहें। अकाउंटिंग पर और नॉलेज गेन करने के लिए और वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।